प्रेज़ गॉड। आज के दिन हमारे लिए एक बहुत ही आनंद की बात है, जबकि हम परमेश्वर के वचन में से हम सुनेंगे। प्रभु का दास को मैंने कहा था कि आपके आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप आएं और परमेश्वर के वचन को हमारे मध्य में बांटें। आप में से कई लोग डॉक्टर बेलसी आइज़क को जानते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग नहीं जानते हैं। डॉक्टर बेलसी आइज़क एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, मैं बहुत उनको सम्मानित करता हूँ। मुझे बड़ा गर्व है इस बात का, मैं उन्हें जानता हूँ। मैं बहुत ही आशीष पर्सनली मैंने उनके द्वारा और उनके संदेशों के द्वारा प्राप्त किया है। वे हमारे बाइबल कॉलेज जो कि KCTL है उसमें वो सेवा करते हैं, उसमें वो शिक्षा भी देते हैं, प्लस कुछ पोजीशंस भी हैं। मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, यू आर द डीन, वाइस प्रिंसिपल, सॉरी, सह प्रधानाचार्य के रूप में वो सेवा करते हैं। बीते दिनों में डीन भी थे और कई सारे पोजीशंस थे, लेकिन इस समय, वर्तमान समय में वो वाइस प्रिंसिपल हैं हमारे बाइबल कॉलेज के। भारत भर में कई सारी संस्थाओं के कमिटी में एक सदस्य हैं और उनका परामर्श संस्थाओं के लिए, कलीसियाओं के लिए हमेशा हमेशा बहुत फ़ायदेमंद रहा है और बहुत ही बहुमूल्य रहा है। और कई बातों के प्रति वो बहुत अधिक ज्ञान रखते हैं, बहुत ही उच्च रीति से शिक्षित व्यक्ति हैं, एकेडमिशियन हैं। और जब आप उनकी भाषा सुनोगे, आप उनके शब्दावली से ही आप समझ जाओगे कि बहुत उच्च शिक्षा वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनके अंदर जो नम्रता है, जो नम्रता है, वो सच में मैं उसे बहुत सराहता हूँ, बहुत ही अधिक। और बड़े नम्रता के साथ वो पेश आएंगे, आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये सच में एकेडमिक वर्ल्ड में बहुत ही एक सॉट आफ्टर पर्सन है, व्यक्ति हैं। सो मैं चाहूँगा कि इस दास, महान परमेश्वर के अच्छे एक समर्पित दास का हम स्वागत करें तालियों के साथ। एंड डॉक्टर बेलसी, प्लीज़ कम and share God's word with us. Baap re, ये इतने शब्द बोल दिए गए कि अब खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो शब्दों के आधार पर अपने आप को वर्दी साबित करना पड़ेगा। लेकिन पास साहब, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह आपने मुझे ये मौका दिया कि आप लोग के साथ में परमेश्वर का वचन का मुनादी करने के लिए जो मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पास साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने एक इन्विटेशन दिया और आज सुबह मैं और मेरा वाइफ और हम लोग यहाँ पर आकर आपके साथ में काफ़ी समय, या आशीष से हेज़ल यहाँ पर है हमारे साथ में, मेरी वाइफ मेरे साथ में है, शी सिटिंग देयर, और मेरे साथ में एक और भाई डैनियल भी हैं जो साथ में मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तो हम लोग को आज सुबह आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। कलीसिया के पासबान के तरफ के प्रति मेरा हृदयंग में धन्यवाद, स्पेशली हमारे सीनियर पासबान पास्टर मताई हमारे बीच में आज नहीं है, यात्रा में होंगे, लेकिन खुदा उनको भी जहाँ भी हैं वहाँ बहुत इस्तेमाल करें, ये हमारी प्रार्थना है। पिछले दिनों एक ब्लू डार्ट का कुरियर आना था मेरे घर में, और हमारा घर इतना आसान नहीं है ढूंढना, तो उसने फ़ोन किया, फ़ोन करके पूछा कि सर कहाँ है आपका घर, हम आपका घर ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा कि देखो भाई, ऐसे ऐसे रास्ता से आ जाना, क्रूस दिखेगा, क्रूस दिखेगा, बस क्रूज से घुस जाना, घर मिल जाएगा। आप में से कितने लोगों ने क्रूज के बगल में घर बना के रखा है, हालेलुया बोले, नहीं है? आपका जीवन में कितना लोग क्रूज के पास में अपना घर बना के रखा है, एक जोरदार हालेलुया बोल सकते? जब आहाब एलिया से पूछा तू कहाँ से आता है, उसने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उपस्थिति से आता हूँ। उसका एड्रेस था मैं परम
सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपस्थिति से आता हूँ। आपका एड्रेस क्या है आज की सुबह? यदि आपका एड्रेस भी यह है, क्रूस मुझे दिखा दो, घर में खुद ढूंढ लूँगा। क्रूस मुझे दिखा दो, मुझे मालूम है मेरा घर कहाँ है। हालेलुया, हम क्रूस के पास में रहने वाले लोग हैं, क्रूस को लेके चलने वाले लोग हैं। आज सुबह हमें परमेश्वर, मेरे पास जो समय है मैं उस समय का पालन करूँगा, और परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। और मैं भी, जैसे पास साहब ने भी कुछ थोड़ी देर पहले वो पास खुदा के खादिमों का बारे में कहा कि जैसे वो उनके लिए ये कठिन वर्ष काम तो बीतेगा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग की, तो हम परिवार के साथ में, आपके साथ में है पास साहब, उसमें वी आर पार्ट ऑफ दैट एंडेवर। हम उस ऐसे परिवार के रूप में, हम उस जो खुदा के दासों को मदद करने का जो वर्क है, उसमें हम भी साथ देना चाहते हैं ऐसे फैमिली। एक पद बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ, पहला सैमुअल की पुस्तक 10वां अध्याय पहला पद, पहला सैमुअल की पुस्तक 10वां अध्याय पहला पद, बड़ा अच्छा पद है। वहाँ लिखा है, तब सैमुअल ने एक कुप्पी लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के उप प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। मैं एक ही शब्द उठाना चाहता हूँ वहाँ में से। वहाँ लिखा है कुप्पी का तेल, क्या चीज? कुप्पी का तेल। इंग्लिश में लिखा था ऑयल, फ्लास्क ऑफ ऑयल, तेल की कुप्पी, कुप्पी शीशा। प्रार्थना करेंगे, इसके बाद हम प्रवेश में, परमेश्वर के वचन में प्रवेश करें। खुदाबंद, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, हमारे अंदर किसी प्रकार की लियाकत नहीं है, यदि है तो तेरा अनुग्रह है परमेश्वर। किसी की शैक्षणिक योग्यता आपके वचन को संभालने की योग्यता उसको नहीं देता है परमेश्वर। शिक्षा कितनी भी क्यों ना हो, पढ़ाई कितना भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जब आपके कलाम के सामने हम खड़े होते हैं, आपके कलाम को लेकर खड़े होते हैं परमेश्वर, यहाँ पर केवल एक चीज़ मायने रखता है, वह है तेरा अनुग्रह। आज की सुबह परमेश्वर मैं आपका अनुग्रह मांगता हूँ परमेश्वर। होने दे कि मैं प्रचारक ना बन जाऊं, मैं अनुवादक बन जाऊं जो पवित्र आत्मा का अनुवाद करता हो, क्योंकि परमेश्वर हम चाहते हैं पवित्र आत्मा तू बोल, हम ना बोलने वाले हो जाए परमेश्वर। यदि मनुष्य बोलेगा लोग खाली हाथ चले जाएंगे, यदि तू बोलेगा तो हम भर के यहां से जाएंगे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, बेलसी को आज के दिन इस मंजर से तू हटा ले पूरी तरह, इस मंजर में वो ना रहने पाए खुदावंत। यदि हो तो केवल खुदावंत यीशु मसीह का कुवत और कुदरत और उसकी महिमा आज सुबह यहां पर होने दे। हालेलुया टू द लैम्ब ऑफ गॉड। परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंप देते हैं, यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। जो आगे 30 मिनट मेरे सामने है, मैं शीघ्रता से परमेश्वर के वचन में प्रवेश करके एक बात बोलना चाहता हूं। आपको क्या चाहिए, कुप्पी का तेल या फिर कुछ और? वहां पहुंचूंगा। आज आप कुप्पी का तेल लेके यहां से ना जाने वाले बने, यह मेरी प्रार्थना है। 8वां अध्याय में पहला, आप हम पूरा बाइबल खोल खोल के पढ़ के नहीं जाएंगे क्योंकि समय बीत जाएगा। 8वां अध्याय में इसराइली शमूएल के पास में आया, आने के बाद में एक बात बोलता है जो मुझे बहुत बहुत ही अजीब लगा। उस 5वें पद में उसने उनसे कहा, तब इसराइल के सारे वृद्ध लोग इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए, सुनिए, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। अभी तक परमेश्वर उनका न्यायी था, अभी तक परमेश्वर उनका राजा था, लेकिन अब सारे इसराइली शमूएल के पास में जाके पहुंचे और जाके बोला, हमें एक राजा चाहिए। लेकिन राजा कैसा चाहिए यह भी बताया, कैसा राजा चाहिए? बाइबल अभी पढ़ा, कैसा राजा चाहिए उनको?
लिखते हैं, कहते हैं हमें न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार एक राजा चाहिए। हमें एक राजा चाहिए, लेकिन कैसा राजा चाहिए? अन्य जातियों के जैसा राजा चाहिए। यहाँ हित्ती है, यहाँ परुजी है, यहाँ हिवी है, यहाँ पेरिजाइट्स है, सारे उनके जैसा हमको एक राजा हमारे ऊपर नियुक्त कर दे। तो जब शमूएल बहुत दुखी हुआ, परमेश्वर के पास में गया, हे परमेश्वर अभी तक तूने न्याय किया था, अभी तक तूने न्यायियों को स्थापित किया था, न्याय तेरा था प्रभु जी, लेकिन अब इन लोग मांगते हैं कि अन्य जातियों के समान हमारे लिए एक राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा, हे शमूएल जैसा वो चाहते हैं वैसा उनको सौंप दे, क्योंकि उन्होंने तेरा इनकार नहीं परंतु मेरा इनकार किया है। एक सवाल पूछता हूं, कैसा राजा चाहिए उनको? कैसा राजा चाहिए? कैसा राजा चाहिए? अन्य जातियों के जैसा, जैसा इदोमी के पास में, जैसा पलस्तीन के पास में, जैसा परिजी के पास में, जैसा हिवी के पास में, हिजी के पास में, वैसा हमको एक राजा नियुक्त कर दे। नौवा अध्याय आते हैं जल्दी से, नौवा अध्याय में पहुंचेंगे। नौवा अध्याय पहला पद, बिन्यामिन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अपनी के पुत्र बकोरत का परपोता, सरोर का पोता, अबियल का पुत्र था। वह बिन्यामिनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसका शाऊल नामक एक बेटा था जो सुंदर था, और इसराइलियों में से कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वो इतना लंबा था कि लोग उसके कांधे तक ही आते थे। अन्य जातियों के समान क्या चाहिए उनको? एक राजा चाहिए, और राजा मिल गया। वो राजा के चार गुण वहां पर लिखा है, नंबर एक शक्तिशाली, दूसरा सूरमा, नंबर तीसरा सुंदर, नंबर चार लंबा। और उसका बाप के बारे में लिखा है, बड़ा नामी गिरामी खानदान का था वो। तो बड़ा कैसा राजा मिला उनको? अन्य जातियों के समान कैसा चाहिए उसको? एक लंबा, इतना लंबा के बारे में लिखा है, इसराइली में कोई उसके जैसा लंबा ना था, अति सुंदर था। वो चुन लिया गया, क्योंकि किसके आधार पर चुना गया है यह व्यक्ति? किसके आधार पर चुना गया है? अन्य जातियों के आधार पर चुना है। यहोवा ने चुना नहीं है, अन्य जातियों के आधार पर चुना हुआ व्यक्ति है राजा शाऊल। और शाऊल का गुण क्या है? शक्तिशाली परिवार का है, और अच्छा लंबा चौड़ा है, दिखने में सुंदर है। दसवां अध्याय एकदम से शमूएल आया। बाइबल में लिखा है शमूएल ने एक कुप्पी निकाली, शमूएल ने कुप्पी निकाला, उसमें तेल था, और उसका अभिषेक कर दिया। आप सुन रहे हैं मेरे को? अभिषेक कर दिया। अगला दिन से शाऊल राजा बन गया। राज्यभार करना चालू कर दिया। शमूएल क्या निकाला? एक कुप्पी निकाला, अभिषेक किया। अगला दिन से शाऊल राजा बन गया, राज्यभार करने लगा। आगे बढ़ते हैं, 16वां अध्याय। पलटने की जरूरत नहीं, आप मुझे बस सुनते रहिए आज के सुबह। 16वां अध्याय, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, हे शमूएल मैंने शाऊल को राजा होने के लिए इनकार किया है, क्योंकि वो सही राजा नहीं है। मैंने शाऊल को राजा होने के लिए इनकार कर दिया है, इसलिए अब तू एक काम कर, अब तू जा यिशै बैतलहम में रहने वाला यिशै के घर में जा, वहां मैंने अपने लिए एक राजा चुना है। अभी तक अन्य जातियों के समान एक राजा चुना गया था, लंबा चौड़ा सुंदर शक्तिशाली सूरमा, अच्छा व्यक्ति चुना गया था। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने उसका इनकार किया है, अब मैं अपने लिए एक राजा चुनने जा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी से मैं 16वां अध्याय का पहला पद पढ़ के सुनाऊंगा आपको, 16वां अध्याय और उसका पहला पद। यह पढ़कर मैं संदेश में प्रवेश कर जाऊंगा। 16वां अध्याय पहला पद, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इसराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है,
तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। सुन लिया आपने? क्या करना है शामिल, तुझे क्या करना है जी, क्या करना है? तो जाना है, कहाँ जाना है, क्या लेना है, क्या लेना है, तेल भरना है, कहाँ भरना है, कहाँ भरना है? शाऊल के लिए कहाँ भरा था? अभी सींग तंबू में रखा रहता है, फ्लास्क शमूल के पास में है, सींग तंबू में रहता है। जब परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर शमूल को बोलता है फ्लास्क वहीं रख, पहले मंदिर में उस तंबू में जा, वहां सींग उठा, सींग में तेल भर, क्योंकि अब मैंने राजा चुना है, अब मैं राजा चुना हूं। पहले तूने चुना था, इस्राएली चुना था, फ्लास्क निकाला, अभिषेक किया, अगला दिन वो राजा बन गया। लेकिन अब परमेश्वर बोलता है नहीं, अब तू जा, मैं अपने लिए एक राजा चुनने जा रहा हूं। पहले तू तंबू में जा, वहां पर तंबू में सींग रखा है, वहां कम से कम चार सींग रखे हुए, उसमें से एक सींग उठा, उसमें तेल भर, उसके बाद यिशै के घर में चला जा। आज मेरा संदेश क्या मालूम है? संदेश यह है, सींग का तेल चाहिए या फ्लास्क का तेल चाहिए? नहीं, रुक जाइए, अभी सब बोलने से मजा नहीं आएगा, आखिरी में बताइएगा, क्या सींग का तेल लेके घूमेंगे या फ्लास्क का तेल लेके घूमेंगे? यह है मेरा संदेश। तो यिशै चला गया, यिशै के घर में पहुंच गया, कौन? हमारा राजा, सॉरी शमूएल नबी यिशै के घर में पहुंच गया, और उसने जाकर पिताजी को बोला, हे यिशै, परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा है, जब तक मैं अभिषेक नहीं करूंगा तब तक नहीं बैठूंगा। यदि सींग लेके आया है खुदावंत, वो तब तक बैठेगा नहीं जब तक अभिषेक नहीं कर लेगा, वो तब तक अपना काम पूरा किए बिना बैठेगा नहीं। मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक सींग का तेल सींग में से खाली होकर जिसके ऊपर पहुंचना है नहीं पहुंचेगा, तब तक मैं खाली नहीं बैठूंगा। आज के सुबह मेरा प्रार्थना यह है, यहोवा जिनके ऊपर सींग से तेल गिरना है, वो गिरने के बाद ही तू यहां से जाना। जब तक वो गिरेगा नहीं, जब तक वो गिरेगा नहीं, यहां के लोगों को खाली छोड़ना नहीं। हम में से कई लोग कुप्पी का तेल से खुश हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन यहोवा आपको सींग के तेल से भर दे। वो जब तक जाएगा नहीं जब तक वो भरेगा नहीं, वो जब तक बैठेगा नहीं जब तक वो भरेगा नहीं। आइए आज भर के जाए यहोवा का सींग का तेल। घर पहुंच गया, बोले बेटों को बुलाओ, दानियल आ जा, आजा आजा। पहला बेटा आया अमीनादाब, जूता खुल कमान द स्टेज। एक उदाहरण चाहिए ताकि आप लोग देखें, है ना, अन्यथा क्या है, दोपहर को ना आते आते कई लोग को नींद आने का सबसे अच्छी दवाई बाइबल है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरी आंखें हर जगह पहुंचे ताकि कोई सोए ना, क्योंकि पौलुस भाई साहब प्रचार किए थे, एक सो गया, यूतिकुस गिर के मर गया, पौलुस नीचे गया, उसको जिंदा किया, लाके बैठाया, फिर सुनाया। आप यदि गिर के मर जाए, जिंदा करके उठा के लाके बैठाना मेरे को आता नहीं, इसलिए सोने दूंगा नहीं। तो पहला आ गया, पहला व्यक्ति आ गया, ये तो हमारा कुप्पी का तेल है, हमें सींग का तेल चाहिए था, हमें सींग का तेल है। हाँ, वो सींग लग रहा है, ये लेते हैं। तो पहला आ गया अमीनादाब, किसको देखा है अभी तक किसने? शमूएल ने किसको देखा है अभी तक? शाऊल को देखा है। शाऊल किसके आधार पर चुना गया है?
अन्य जाति के आधार पर, जैसे ही शाऊल का रेफरेंस में अमीनादाब के पास में आया, अरे इसको देखा, ये भी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा बढ़िया, इसके ऊपर तेल डालने की बारी आई। यहो ने बोला नहीं, क्योंकि यहोवा अन्य जातियों के आधार पर नहीं चुन रहा है, यहोवा अपने आधार पर चुनने जा रहा है। परमेश्वर बोला नहीं, ये नहीं चुना जाएगा। सनी बोले दूसरा बेटा है, और बेटे हैं? बोले हाँ दूसरा बेटा है, शम्मा है। बोले शम्मा को बुला लो, शम्मा आ गया। बोले ये चुना नहीं गया, इसको देखा, बोले ये भी तगड़ा है, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा और इसराइल में सबसे सुंदर, ये पक्का चुना गया होगा। उसने सींग का तेल लिया, उंडेलने के लिए गया। परमेश्वर ने बोला नहीं, इसको मैंने नहीं चुना है। और बेटा है क्या? वो तीसरा बेटा है। बोले उसको भी बुला लिया, आ गया वो भी दौड़ दौड़ के। उसको लगा शायद मैं होऊंगा, अरे उनको भेजो, आपको हम बाद में बुलाएंगे। शाऊल जो अभी तक 40 साल तक, सॉरी 30 साल तक राज्यभार किया, अन्य जातियों के आधार पर चुना गया है। शमूएल का रेफरेंस पॉइंट शाऊल है, शाऊल का रेफरेंस पॉइंट अन्य जाति है, लेकिन अभी शमूएल अन्य जातियों के आधार पर नहीं चुन रहा है, अभी शमूएल परमेश्वर के आधार पर चुन रहा है। पहले लोगों की बात को सुना था, पहले अन्य जातियों के राजाओं को देखा था, अभी अन्य जातियों को राजाओं को वो नहीं देख रहा है, अभी वो यहोवा को सुन रहा है। वो केवल यहोवा से सुन रहा है, उसके नजर में और कोई रेफरेंस नहीं है, उसे नजर में एक ही रेफरेंस है और वो है खुदावंत। पहला रिजेक्टेड, दूसरा रिजेक्टेड, तीसरा शम्मा की सर पे बोला डालने गया, पर बोला नहीं वो भी नहीं है, और कितने बेटे हैं? बोले सात लोग खड़े हो गए, सातों के ऊपर उंडेलने गया, सातों को परमेश्वर ने बोला नहीं, इसमें से कोई भी मेरा चुना हुआ नहीं है। शमूएल कंफ्यूज्ड हो गया, बोले सारे बेटे तो आ गए हैं, परमेश्वर को गलती हुआ या मेरे को गलती हुआ है? सातों के साथ खड़े हैं, मैं सातों को नहीं बुलाऊंगा वरना बहुत टाइम चला जाएगा, सातों के साथ खड़े हैं, यहोवा ने सबको मना कर दिया। फिर आखिरी में शमूएल पूछता है, तेरा और भी बेटे हैं, और भी बच्चे हैं तेरे को? बोले हाँ है। बोले वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो बकरियां चरा रहा है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो बकरियां चरा रहा था, मेरे को दुख इस बात का है, बाप को भी नहीं लगा कि वो राजा बनने के लायक है। बाप ने डाल दिया बाउंड्री, तू बकरियां चरा, तू राजा बनने के लायक नहीं है। परमेश्वर ने कहा उसको बुला ले, सॉरी शमूएल ने बोला उसको बुला ले। आज की सुबह संसार में बहुत योग्य हैं, यहोवा उनको नहीं देख रहा, यहोवा देख रहा है कुछ ऐसे जिनके चारों तरफ बाप ने, माँ ने, परिवार ने, रिश्तेदार ने बाउंड्री डाल के रखा है कि ये लायक नहीं है, यहोवा की नजर उनके ऊपर है। हालेलुया टू द लैम्ब ऑफ गॉड। अब तेरे को बुला लेते हैं, आजा बेटा तू आजा, भले ये, हाँ ये आया, ये बहुत हैंडसम है ये मैं इसलिए इस सामने बुलाया, मैं ढूंढ रहा था कोई छोटा बच्चा मिल जाए, दिखा नहीं मेरे को है? सब संडे, हाँ इसीलिए सब संडे स्कूल चले गए। तो ये चल के आया, आते ही इसके शरीर में से ये ना वस्त्र धारण किया, टाइम नहीं मिला, ना उसने कोई अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ना वो उसको टाइम मिला कि अपने आप को साफ सुथरा करे, कुछ भी करे वो, क्योंकि उसको जल्दी से बुलाया गया। वो आया, जैसे ही वो आके खड़ा हुआ, शमूएल का परमेश्वर ने बोला इसके ऊपर उंडेल, क्योंकि इसको मैंने चुन लिया है, इसको तो इसको तो इसके ऊपर तू उस अभिषेक का तेल को डाल, क्योंकि मैंने इसको चुन लिया है। और जैसे ही वो चुन लिया, मुझे एक बात कहना चाहता हूं, अभिषेक सारे बाउंड्रियों को तोड़ डालता है, जितनी भी बाउंड्रियां
तेरे चारों तरफ है, सारे बाउंड्रियों को एक बार अभिषेक का तेल तेरे ऊपर आ जाए, जितनी भी बाउंड्री तेरे चारों तरफ है सारी बाउंड्रियों को तोड़कर अभिषेक तुझे खड़ा कर सकता है। आज की सुबह सींग का तेल तेरा इंतजार कर रहा है, यदि तू तैयार है तेरी बाउंड्रियों को तोड़कर, तेरे चारों तरफ के पोज को तोड़कर यहोवा अभिषेक करके तुझे राजगद्दी के लिए खड़ा कर सकता है। बाउंड्री तेरे चारों तरफ है, बाप में डाला वो बाउंड्री, खुद का बाप बोलता है कि ये योग्य नहीं है, ये बाप की नजर में योग्य है, ये बाप की नजर में योग्य है, ये बाप की नजर में योग्य है, लेकिन ये बाप की नजर में योग्य नहीं है, लेकिन यहोवा की नजर में, यहोवा की नजर में, यहोवा की नजर में, यहोवा की नजर में, हर यहोवा की नजर में ये योग्य है। यहोवा ने कहा जा उसके ऊपर तेल डाल, क्योंकि मैंने इसको राजा बनने के लिए नियुक्त किया है, चुन लिया 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 है। तेरी बाउंड्रियों को यहोवा तोड़कर तुझे चुना है। ये जो परमेश्वर, ये भाई बैठा है, ये जीवन में बहुत चुनौतियों के बीच में खड़ा है, लेकिन आज के सुबह परमेश्वर के आत्मा कहता है यहोवा तुझे चुन लिया है, उसकी नजर तेरे ऊपर है, तेरे चारों तरफ की बाउंड्रियों को यहो एक बार अभिषेक का तेल आ जाए तेरे बाउंड्रियों को वो तोड़ डालता है, एक बार अभिषेक का तेल आ जाए तेरे चारों तरफ परिस्थितियों को वो तोड़ डालता है, एक बार तेरे ऊपर अभिषेक आके गिर जाए तेरे तेरे चारों तरफ की परिस्थितियों को तोड़कर यहो तुझे योग्य बनाकर वे राजगद्दी में बैठाने का योग्य। मेरा परमेश्वर यहोवा आज भी इस कलीसिया में आया हुआ है और उसके हाथ में सींग का तेल है। और वो प्रचार के बीच में आते मैंने ये बात बोला कि तेल जैसे ही आता है अभिषेक तेरे ऊपर आएगा, तेरे सारी बाउंड्रियों को तोड़ देगा। संदेश खत्म होने के बाद में जब हम निकल में निकलने का समय था, वो मेरे पास भाग के आया और मेरे से कहता है पास साहब मैं मिनिस्ट्री के लिए निकलने जा रहा हूँ। मैंने ऐसे ही नहीं बोला, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, यदि तेल तेरे ऊपर भी आ जाए तो यहोवा के लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। अब आप लोग जाइए, ये नहीं जाएंगे, आज हम इनका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हालेलुया। एक बात बोलूं, अच्छा हमें डैनियल 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 एक बात, एक बात, एक बात, इधर आइए। कुप्पी का तेल अभिषेक किया, अगला दिन राजगद्दी में बैठ गया, कुप्पी का तेल से अभिषेक किया, अगला दिन राजगद्दी में बैठ गया, सींग से अभिषेक किया, राजगद्दी में नहीं बैठा। कुप्पी का तेल से अभिषेक किया, अगला दिन राजगद्दी में बैठ गया। जब मनुष्य अभिषेक करता है सक्सेस अगला दिन ही मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का, परमेश्वर का खूबी क्या मालूम है, परमेश्वर योग्य को नहीं चुनता, परमेश्वर अयोग्य को चुनता है, उसको अभिषेक करता है, उसके बाद में लेके चलता है ताकि अपने लायक उसको बना सके। दाऊद को वो 13 साल लेके चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, अयोग्य था, बाप की नजर में अयोग्य था, लेकिन राजगद्दी में बैठाने के लिए मेरा परमेश्वर इसको लेकर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। इसके तेल सर पे अभिषेक का तेल है, कुप्पी का तेल नहीं है, कुप्पी का अभिषेक होगा, अगले दिन सक्सेस आएगा। लेकिन 40 साल के बाद में, लेकिन 40 साल के बाद में इसका राजगद्दी खत्म हो गया
और बाइबल में लिखा है आठवां अध्याय पहला राजा का आठवां अध्याय में लिखा है, क्या तेरे खानदान में कोई है? तो बोला मफीबोशेत है और वो लंगड़ा है। मफीबोशेत के पास में दाऊद गया, बोले उसको उठा के लेके आया। तो मफीबोशेत ने क्या बोला दाऊद को मालूम है? मुझ जैसे कुत्ते पर तू क्यों अनुग्रह करता है? सुनिए, यदि मनुष्य अभिषेक करेगा कुछ समय के बाद में तेरा राज गद्दी मिट जाएगा, लेकिन जब यहोवा अभिषेक करता है, यहोवा अभिषेक करता है उसका राज्य आज भी स्थिर है। यीशु इसराइल का दाऊद का सिंहासन पर बैठा था, उसका सिंहासन टूटा नहीं है, उसका राज्यभार टूटा नहीं है, आज भी दाऊद का सिंहासन स्थिर है। मनुष्य का अभिषेक 40 साल के बाद टूट गया, यहोवा सिंह का तेल का अभिषेक आज भी स्थिर है। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा राजा दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। तेरा जो अभिषेक है, तेरा जो राज्य गद्दी है वो बना रहेगा, क्योंकि तुझे मनुष्य ने नहीं यहोवा ने चुना है। ओ हालेलुया, हालेलुया टू द लैम्ब ऑफ गॉड, हालेलुया टू द। मनुष्य चुनेगा कुछ समय के बाद में गिरा देगा, लेकिन जब यहोवा चुनता है, यहोवा चुनता है, वो अनंत काल तक उसका सिंहासन विराजमान बना रहेगा। इवन आज भी राजा दाऊद का सिंहासन स्थिर बना हुआ। नबूकदनेस्सर ने कोशिश किया मिटाने का, नहीं मिटा। बेलशासर ने कोशिश किया मिटाने का, नहीं मिटा। लोगों ने कोशिश किया मिटाने का, नहीं मिटा। और नाज़ी ने कोशिश किया मिटाने का, नहीं मिटा। हिटलर ने कोशिश किया मिटाने का, नहीं मिटा। नहीं मिट सकता, क्योंकि यहोवा का अभिषेक का तेल था, मनुष्य का कुप्पी का तेल नहीं था, यहोवा का अभिषेक का तेल था। हे नाज़ी, हे हिटलर, तू नहीं मिटा सकता, वो यहोवा का अभिषेक, परमेश्वर का सिंह का तेल का अभिषेक लिया वो व्यक्ति है। तेरे शत्रु तेरे चारों तरफ उठ खड़े होंगे, लेकिन तुझे हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि तेरे ऊपर जो अभिषेक है मनुष्य का अभिषेक नहीं है, यहोवा का अभिषेक है। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कौन सा अभिषेक लेके घर जाएंगे आज? कुप्पी का अभिषेक लेके जाएंगे या आपको सिंह का अभिषेक चाहिए? कुप्पी का अभिषेक कुछ दिन के बाद में मिट जाएगा, लेकिन सिंह का अभिषेक बना रहेगा, बना के रखेगा। एक और बात बोलता हूं, कुप्पी का अभिषेक के लिए आपको योग्य होना जरूरी है, लेकिन सिंह का अभिषेक के लिए यहोवा योग्य है। उसको तुझे तेरी योग्यता नहीं चाहिए, उसको मालूम है तुझे बुलाकर कैसे योग्य बनाना है। अभिषेक मिल गया। मिलने के बाद में ये राजा शाऊल ने बोले, काम कर, ये अच्छा गाना बजाता है, इसको मेरे पास भेज, जब भी दुष्टात्मा चढ़ेगा ये बजाएगा, निकल जाएगा। उस पर दुष्टात्मा चढ़ता था, ये गाना बजाता था, दुष्टात्मा निकल जाता था। फिर शाऊल ने बोला, एक काम कर, मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बन जा, मेरा हथियार तू संभालना। बोला ठीक है साहब, वो भी करूँगा, लेकिन बाइबल में एक पद लिखा है, उसमें यूं लिखा है, कहता है दाऊद शाऊल के महल में जाता था और उसके बाद में बकरी चराने के लिए भी जाता था। महल में रहता था, 16वां अध्याय में लिखा है, महल में रहता था, लेकिन फिर जब काम पूरा हो जाता कहाँ चला जाता, बकरी चराने के लिए। एक दिन आ जा, तो उस समय करूँगा, उधर खड़ा हो जा। एक दिन, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, आई एम गोना फिनिश। एक दिन एक आके चिल्लाने लगा, यदि इसराइल में किसी में दम है तो, यदि इसराइल में किसी में, अरे मुनीश भाई जाइएगा, नहीं आना पड़ेगा, हाँ। इसराइल में किसी में दम है तो मुझसे लड़ लो, चिल्ला रहा है गोलियात। याद रखिए, ये कहां पर है, ये अभी भी कहां पर है? अभी
ये भेड़ चला रहा है अभी भी, इसके ऊपर तेल है। हाँ जी, इसके ऊपर तेल है। कौन सा तेल है? सींग का तेल इसके ऊपर है। लेकिन कहां पर रही है? कहां पर रही है? ये भेड़ बकरी में है। एकदम से वो जो कुप्पी का तेल वाला भी आ गया। आइए, कुप्पी का तेल, ये कुप्पी का तेल वाला है। ये कुप्पी का तेल है। ये 40 दिन से इसकी आवाज सुन रहा है, लेकिन ये कुप्पी का तेल है। ये डरा हुआ है, ये डरा हुआ है। 40 दिन 40 सा डरा हुआ है। तो एक दिन ये सींग का तेल वाला दाऊद आया कुप्पी के तेल के पास में। बोले, ये कौन है खतना रहित जो इतना दिन से चिल्ला रहा है? उसने बोला, ये गोलियात है। वो गत निवासी है, अनाक वंशी है, वो बचपन से मल्ल युद्ध करता है। उसकी लंबाई चौड़ाई और उसकी उसके हाथ का भाला देखो, भाला ही हमसे भारी है, उससे कौन लड़ेगा? ये कहता है, मैं लड़ने को तैयार हूं, मैं लड़ने को तैयार हूं। मैं शेर से लड़ा था, मैं भालू से लड़ा था। मुझे अच्छा क्या लगता है मालूम है? जब शेर से लड़ा था कोई नहीं जानता, या अकेला जानता है। जब भालू से लड़ा था कोई नहीं जानता, या अकेला जानता है। ना बाप जानता है, ना माँ जानती, ना पड़ोसी जानता, लेकिन यहोवा जानता है। जब ये शेर से लड़ा था, इसको लड़ने के लिए कोई नहीं था, उसने यहोवा के नाम से लड़ा था। जब भालू आया था कोई नहीं जानता, वो यहोवा के नाम से लड़ा था। इसलिए आज वो लड़के 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 उसको मालूम है, गोलियत से मैं लड़ सकता हूँ। ये लड़ने के लिए आया। तो शाऊल, तो ये कुप्पी का तेल वाला शाऊल बोलता है, एक काम कर, थोड़ा दे देंगे मेरा हथियार सा। अरे बाप रे, आपका खतरनाक वाला है, लाइए। बोले, इसको तू पहन ले और लड़ने के लिए तू जाना। बाइबल में लिखा है, देखिए इसका हालत क्या है, ये देखो। इसको लड़के लड़ने के लिए मैं जा नहीं सकता। याद रखिए, सिंह का अभिषेक कुप्पी का स्टाइल नहीं मार सकता। एक दिन मेरे पास एक विद्यार्थी आया, मेरे को फास्टिंग प्रेयर के बारे में बोलता है, सर छत में चलिए। मैं डर गया, ये क्या है? बोले, सर छत में चलिए, आप अकेले आइए। मैं गया ऊपर छत में, उसने दरवाजा बके जाके मेन टेरेस का जो दरवाजा था बंद कर दिया। मैं बोला, तेरा उद्देश्य क्या है, स्पेशली फास्टिंग प्रेयर के बाद में? तो मेरे पास आके बोलता है, सर, आके बोलता है, सर एक मुझे ना आप कुछ सिखाइएगा, मैं सीख के जाऊंगा। मैं बोला, बता क्या सीखना है? बोले, सर मुझे सिखाइए, मैं बोलूं टच और सब गिर जाए। मैंने बोला, बहुत आसान है बेटा। आशीष नाम था उसका। मैं बोला, आशीष बहुत आसान है। बोले, क्या? मतलब ऐसा ऐसे खड़े होना थोड़ा सा स्टाइल में, और पीछे म्यूजिक देन सिंग्स माय सोल वाला गाना बजा देना, और बजाने के बाद में तू लोगों के सामने खड़े होकर बोलना टच, ऐसे करना। बोले, सर वो तो मैं करना जानता हूँ। मैं बोला, हाँ बेटा वही मैं सिखा सकता हूँ, गिराने का काम यहोवा का है, वो मैं नहीं सिखा सकता। कुप्पी का तेल का वस्त्र पहनाया। बोले, चल इससे तू लड़ने के लिए जा। वो कहा, प्रभु हे शाऊल, मैं तेरा अभिषेक लेके लड़ने नहीं जा सकता, क्योंकि तेरा अभिषेक तेरा है, उसमें लड़ने के लिए मैं नहीं जा पाऊंगा। यहोवा के पास में बेनिहिन की जरूरत नहीं है, एक है यहोवा को तुम्हें आवश्यकता है। ही नीड्स यू ओरिजिनल। हम लोग बेनिहिन का कॉपी करके, दिनकरण का कॉपी करके, उसका कॉपी, इसका कॉपी, उसका कॉपी बनके हम घूम रहे। अरे नहीं चाहिए यहोवा को, यहोवा को तुम्हारी जरूरत है, उसने तेरा अभिषेक किया है। अरे शाऊल का अभिषेक को निकाल के शाऊल को वापस कर। बोले, पकड़ तू,
मेरे पास में लड़ना मेरे को नहीं आता, मेरे को कुछ करना नहीं आता, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, मैं जब शेर से लड़ा था, जब मैं भालू से लड़ा था, मेरे पास में गोफन था, मेरे पास 5 पत्थर था, वहां पर शाऊल तेरी सेना नहीं था, तेरा शस्त्र नहीं था, तेरा हथियार नहीं था, यहोवा के नाम से मैं लड़ा था और वही नाम से मैं आ रहा हूं लड़ने के लिए। मुझे तेरा अभिषेक नहीं चाहिए, मेरे पास में ये सिंह का अभिषेक है, ये मेरे लिए काफी है, ये मेरे लिए काफी है, ये मेरे लिए काफी है। मुझे पास्टर मताई बनने के लिए नहीं बुलाया गया है, मुझे बेलसी बनने के लिए बुलाया गया है। यहोवा के पास में एक पास्टर मताई है और उनका उन्होंने इस्तेमाल किया है, उन्हें दूसरा पास्टर मताई नहीं चाहिए। बेलसी पास्टर मताई बनेगा तो वो अभिषेक के नीचे गिर के मर जाएगा। उसने मेरे को अभिषेक किया है और वो अभिषेक में मेरे को जाना है। हे गोलियात, मैं इसके अभिषेक में नहीं आऊंगा, मैं अपने जो अभिषेक मुझे मिला है उसी में तेरे पास आऊंगा। मेरे पास में शस्त्र नहीं है, मेरे पास हथियार नहीं है, लेकिन जो मेरे पास में है वही लेके तेरे पास आऊंगा। मेरे को बोलना नहीं आता, मैं तुतला के तेरे पास आऊंगा, लेकिन मैं जो है वैसा आऊंगा। मेरा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो खाली जेब से आऊंगा, लेकिन उसके अभिषेक में आऊंगा, इसके अभिषेक में नहीं आऊंगा। ओ हालेलुया, ये लड़ने चला गया, ये समाप्त कर रहा हूं, लड़ने चला गया, एक ही पत्थर काफी था, वो गिरा। लेकिन मजेदार बात क्या बताऊं, मालूम मजेदार बात, इस लड़ाई के बाद में मैंने दाऊद को कभी भी वापस वहां पर बकरी चराते हुए नहीं देखा है। प्रभु जी, गोलियत को मेरे जीवन से हटा दे, प्रभु गोलियत को मेरे जीवन हटा दे। मैं बोलता हूं प्रभु जी गोलियत को दे, क्योंकि गोलियत से लड़ने के बाद जो अभिषेक यीशु के घर में गुप्त द्वार के दीवार के पीछे दिया गया था, वो अभिषेक इसके साथ लड़ाई करने के बाद में पब्लिक के सामने आ जाएगा। हे गोलियत, तेरी जरूरत है मेरे जीवन में, क्योंकि अब मेरा अभिषेक पूरा दुनिया जान जाएगा कि मुझे यहोवा ने अभिषेक किया है। हालेलुया। उसके बाद में दाऊद कभी फिर बकरी चराया नहीं है, क्योंकि उसका अभिषेक। फिर लोगों ने चिल्लाया, शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा 10,000 को, ग्लोरी टू गॉड, क्योंकि अब इसका जो अभिषेक है ना, वो अभी छुपा हुआ नहीं है, सबके सामने आ गया है, वापस जाने की जरूरत नहीं है। दो गोलियत के लिए धन्यवाद हो। कितना लोग बोलेगा गोलियत के लिए धन्यवाद हो, प्रभु जी धन्यवाद हो, आई वॉन्ट गोलायत, आई नीड सम गोलायत इन माई लाइफ। ये गोलायत आएगा तो जो गुप्त का अभिषेक है लोगों के सामने आ जाएगा। ओ राबाखा प्रभाशस क्यारा, हालेलुया हालेलुया टू द लैम्ब ऑफ गॉड। लेकिन क्या ये राजा बना? नहीं बना। क्या राजा बना? नहीं बना। यहोवा इसको बनाता गया। आप में से कितना लोग आज एक कुप्पी का तेल का अभिषेक प्राप्त करना चाहता है, सॉरी सींग का अभिषेक प्राप्त करना चाहता है? हो, सारे हाथ उठ गए, धन्यवाद। आप में से कितना लोग जीसस बाइबल कॉलेज में घुसना चाहता है? ये ना हमारा बाइबल कॉलेज में आओगे ना, 3 साल में हम आपको ग्रेजुएट करके भगा देंगे, बोलेंगे बीए कर लिया, एमए कर लिया। लेकिन जो परमेश्वर का बाइबल कॉलेज है ना, इसमें से पता नहीं कब ग्रेजुएट होंगे। मूसा को 40 साल लग गया, यूसुफ को 13 साल लग गए, दाऊद को भी 13 साल लग गए, अरे यीशु मसीह को भी 30 साल बिताना पड़ गया। ये वो बाइबल कॉलेज है जहां यहोवा आपको बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है। ओ, लेकिन याद रखना, भले ही 40 साल बीत जाए, एक दिन आप फिरों के सामने फिरों के सामने खड़े होकर बोलेंगे यहोवा यूं कहता है।
हालेलुया। 13 साल के बाद में दाऊद को परमेश्वर ने सिंहासन पर बैठा दिया और उसका सिंहासन आज भी बना हुआ है। यदि आप कुप्पी सिंह का तेल लेके जाना चाहते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका इच्छा अच्छा है, लेकिन बी रेडी टू बी ट्रेन्ड इन द बाइबल कॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर का बाइबल कॉलेज में ट्रेन होने के लिए तैयार हो जा। जो कुछ टूटना है तोड़ेगा, जो काटना है काटेगा, जो छाटना है छाटेगा, जो बनाना है बनाएगा, ताकि एक दिन तेरे को जो बैठाएगा कोई गिरा नहीं पाएगा। अपने स्थानों में खड़े हो जाए, अपने स्थानों में खड़े जाए। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ओ हाल, अपने स्थानों में खड़े हो जाए। कितना लोग कहेंगे परमेश्वर मैं तैयार हूं, मुझे अपने सिंह के अभिषेक से मुझे भर दे। लॉर्ड आई एम रेडी, परमेश्वर मैं तैयार हूं, परमेश्वर मैं तैयार हूं, मुझे उस सिंह के अभिषेक से भर दे। प्रभु जी मुझे, मैं वो कुप्पी का तेल लेके नहीं चलना चाहता। वो जब मनुष्य का द्वारा अभिषेक किया हुआ कुछ क्षण में मिट जाएगा, लेकिन जब तू अभिषेक करता है, जब तू अभिषेक करता है, मेरे सारे बाउंड्रियों को तोड़ डालेगा। हालेलुया। और यहोवा, जैसा मैं हूं वैसा मैं तेरे पास में आता हूं। जिखा प्रभाष प्रार्थना करें, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करें, इतने लोग यहां पर खड़े प्रार्थना करें।